हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। आज हम पढ़ेंगे लॉ। लॉ मेरे को काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप पहले कुछ भी कंप्लीट नहीं करा रहे हो, तो कुछ तो कंप्लीट कराओ। तो हम लॉ को उठाते हैं, उस लॉ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इज पावर। ये चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग ऑफ बोर्ड का क्या मतलब है कि बोर्ड बोर्ड जो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये कब कब मिलेंगे, उसके ऊपर क्या लॉ है, मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनको मिलना पड़ेगा या नहीं मिलना पड़ेगा, या उनकी पावर्स क्या है, बोर्ड की पावर क्या है, बोर्ड कब कब खुद डिसीजन लेगा, कब कब शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि ये डिसीजन आप ही ले सकते हो, हमारे पास पावर नहीं है। वो मीटिंग बुलाएगा और शेयर होल्डर्स को बोलेगा आप बताइए क्या करें। और ये थोड़ा ना बेटा हर एक डिसीजन मेंबर्स लेंगे कि बोर्ड किस लिए बनाया, बोर्ड को बिजनेस करने के लिए बनाया ना, तो क्या क्या पावर्स बोर्ड के पास है, क्या क्या पावर्स मेंबर्स के पास है, इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शन है आपके इस चैप्टर के अंदर, 173 से लेकर 195। आज हम कुछ सेक्शन पढ़ेंगे, कुछ आगे के लिए पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड की बात है कि एक साल के अंदर इन्होंने बोला कि मीटिंग कब होगी, कितने नंबर में होगी। लॉ ने ऐसा क्यों बोला कि आप इतनी मीटिंग करो, उन्होंने मीटिंग पे नंबर क्यों दिया। बेटा अगर एक कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या सब सारी पावर हम उसको दे दें कि आपकी कंपनी होगी, आप जैसे मर्जी लाओ। कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की। बोर्ड क्या कर रहा है, उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या मतलब ऑटोक्रेटिक पे खुद से डिसीजन लेता रहेगा कि हमने उसके ऊपर कोई चेक रखा है कि आपके साथ जो बोर्ड है आप सारे मिलके काम करो। इसीलिए बोर्ड मीटिंग का एक सेक्शन लाया गया कि मीटिंग होना जरूरी है, जिसके अंदर सारे के सारे डायरेक्टर रहेंगे। अगर किसी का को कोई डाउट है किसी किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, तो अपना हाथ खड़ा करके बोल सकेगा वहां पे। अगर मीटिंग ही नहीं होगी और काम चलता रहेगा, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को लगेगा कि उसके पापा ने कंपनी उसको दे दिया। ठीक है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो अब हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। इन्होंने बोला कि बोर्ड मीटिंग कब कब होगी और कितनी होगी। ठीक है, पहली पहली मीटिंग पहले मीटिंग पहली मीटिंग मतलब बेटा कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी फॉर्म हुई तो मीटिंग करनी है। कब करनी है, उन्होंने बोला 30 डेज के अंदर। कंपनी फॉर्म हुई 30 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन होते ही 30 डेज के अंदर सारे डायरेक्टर्स को बुला लो और मीटिंग करो, बातें करो, तुम क्या काम करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या तुम्हारे प्लान है। ठीक है, सब डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि इस कंपनी का जो मेन हेड है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो होल टाइम डायरेक्टर है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है। अगर उनको कुछ डाउट है तो वो पूछेंगे। फर्स्ट मीटिंग आपको समझ आता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। अब इन्होंने पूरे साल की बात कर दी कि एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स एक ईयर के अंदर। अच्छा, अब इधर सबसे पहले लॉ पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, यहाँ पे लिखा है ईयर, ईयर। इस ईयर का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ईयर का इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। ठीक है, लॉ को ऐसे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मैं कहता हूँ फाइनेंशियल ईयर होगा, हर जगह फाइनेंशियल ईयर चलता है, नहीं। अभी ये एक्ट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अलावा जो डेफिनेशन होती है हर एक वर्ड की, उसके लिए कुछ एक अलग एक्ट भी है। अगर इस सेक्शन के अंदर ईयर की डेफिनेशन को दे देता कि ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, तो हम इस सेक्शन की मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एक अलग से एक्ट है जिसको बोलते हैं हम जनरल क्लॉजेज एक्ट। उसके अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की डेफिनेशन को दे रखा है। अगर हमें एक्ट ये वाली डेफिनेशन ईयर की डेफिनेशन को नहीं देता, तब हम उस वाले एक्ट की तरफ जाते हैं कि उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है ईयर का मतलब। उस एक्ट के अंदर, जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर ईयर का मतलब लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर। तो इसलिए हम उस एक्ट की तरफ गए क्योंकि इस एक्ट ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सर ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट हमें पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना। ये सिर्फ मैं आपको एक्ट पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे पढ़ते हैं रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, चलो अभी आपको बातें छोड़ते हैं फालतू की, अभी हम बताते हैं इस ईयर का आपको ध्यान रखना कि कैलेंडर ईयर है। उन्होंने बोला 4 मीटिंग होगी हर साल, हर साल के अंदर 4 मीटिंग होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक होगी 1 जनवरी को, एक होगी 2 जनवरी को, एक होगी 3 जनवरी को, एक होगी 4 जनवरी को, बात खत्म। 4 मीटिंग होगी, 4 दिन के लिए हमने डायरेक्टर्स को बुलाया, 5 स्टार होटल में ठहराया, 4 दिन हमने बातें शादी करी, पार्टी करी और उनको कहा जाओ। ऐसा हो सकता है नहीं। एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, बट द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। सर जो आपने बात बोली उसमें 120 डेज का गैप नहीं है, तो मतलब ऐसा कर सकते हैं 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी को मीटिंग कराई और छुट्टी साल भर की, नहीं। अब आप अगले साल की बात स्टार्ट करो, आप अगले साल की बात स्टार्ट करो, उसके अंदर क्या होगा, जब अगले साल जब मीटिंग होगी 1 जनवरी को वापस,
नए साल के अंदर मीटिंग करेंगे, जब अगले साल के अंदर 1 जनवरी को मीटिंग करेंगे, तो ये जो सेक्शन है वॉयलेट हो गया। अब गैप कितने का आ गया, 361 डेज के अराउंड। 4 मीटिंग होगी, 361 डेज का गैप आ गया ना। तो उन्होंने बोला 120 डेज से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। 120, इन्होंने बोला कि कंपनी 120 दिन से ज्यादा, 120 डेज, 120 डेज तक लावारिस नहीं रहनी चाहिए। लावारिस मतलब कि एक ही बंदा उस कंपनी को चला रहा है और कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसीलिए ये चीज़ को बोला गया, एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, बट द गैप बिटवीन 2 कंजेकटिव बोर्ड मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 120 डेज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जेम्पशन टू सर्टन कंपनीज, बेटे जिस कंपनी के अंदर बोर्ड ही नहीं है उसको बोलेंगे आप मीटिंग करो? चलो हम देखते हैं क्या। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, मतलब कि जिसमें पर कोई काम वाम नहीं है, वो ऐसी कंपनी फॉर्म हुई है। अब सुनो, इस कंपनी के अंदर लगा कि हमारे पास अगर काम ही नहीं है, हम स्मॉल कंपनी है, हमें इतनी मीटिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा आप सही बोल रहे हो। उन्होंने उनको बोला कि आप हाफ ईयरली में एक एक मीटिंग कर लो, 6 महीने में एक मीटिंग कर लो। अब हम इसके प्रोविजन, इसके सेक्शन को पढ़ते हैं। द प्रोविजन रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग इन एवरी ईयर इज नॉट एप्लीकेबल। इस इन इन बातों के अंदर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी के केस में 4 मीटिंग की बात एप्लीकेबल नहीं है। दीज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैलेंडर ईयर बोल दिया, इसलिए हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है? जनरल क्लॉजेज एक्ट, उन्होंने बोल दिया कि आप कैलेंडर ईयर के ईच हाफ के अंदर एक मीटिंग कर लो। बट अच्छा, अभी अभी इन्होंने बोला कि हम कर लेते हैं, क्या कहते हैं, हाफ हाफ ईयर के अंदर मीटिंग। तो एक हमने कर ली 30 जून को, एक हमने कर ली 1 जुलाई को। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर ले, 2 मीटिंग करवा ले और उनको भेज दे, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज। उस 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर मोर देन की बात थी, नीचे 90 डेज से कम वाला गैप होना चाहिए। इतना गैप तो आपको देना ही देना है, ठीक है? बात सर हमें समझ आती है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड इफ सो डन दे शैल बी डीम टू हैव कम्प्लाइड विद द प्रोविजन। जो ऊपर वाला, अगर इन्होंने 2 मीटिंग्स कर ली 90 डेज के गैप पे कैलेंडर ईयर के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये वाला सेक्शन आपने कम्प्लाई कर दिया, यू आर ओके। अब आपके दिल में, दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये सर 1 पर्सन कंपनी यहाँ पे लिखा है। 1 पर्सन कंपनी के अंदर अगर एक ही डायरेक्टर है, 1 पर्सन कंपनी में अगर एक ही डायरेक्टर, तो वो भी मीटिंग बुलाएगा। आपकी बात एकदम सही है। 1 पर्सन कंपनी हैविंग ओनली 1 डायरेक्टर, 1 more exemption is given to 1 पर्सन कंपनी which has only 1 डायरेक्टर। इसके अंदर जो एग्जेम्पन है वो ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, जिसके अंदर 1 डायरेक्टर है, बट 2-3 डायरेक्टर भी हो सकते हैं ओपीसी के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर उसका 1 ही डायरेक्टर है, ओनली 1 डायरेक्टर है, तो सच ओपीसी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग। अकेला बंदा चला रहा है बिजनेस, उसको कोई चाहिए ही नहीं, उसी का पैसा है और वही डायरेक्टर है, तो वो क्यों किसी की मीटिंग करवाएगा, ठीक है। दस इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के अंदर से हमने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था। आप कोई मीटिंग नहीं करी, आप कंपनी चलाओ, ओके। पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग, अब बोर्ड मीटिंग हो रही है, ये बात हमें समझ में आती है। हम ऊपर की बात मानेंगे, 4 मीटिंग करनी ये करेंगे, या फिर अगर स्मॉल कंपनी डोमेंट कंपनी है और ओपीसी विद मोर देन 1 डायरेक्टर, तो हम हाफ ऑफ ईयर में एक मीटिंग कर लेंगे 90 डेज का गैप रख के। अब हमें बताओ कि डायरेक्टर्स को मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है या वीडियो कॉन्फ्रेंस फोन के थ्रू ऐसी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? कंपनी एक्ट ने आपको ये बताया कि बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होगा। ये एक्ट अलाउ करता है कंपनी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग इन फॉलोइंग मैनर। इन मैटर के अंदर कंपनी अलाउ करती है, कंपनी एक्ट आपको अलाउ करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कर लो। कोविड है भाई, ठीक है, उन्होंने कहा आप जहां मर्जी बैठ के मीटिंग कर लो, इन पर्सन थ्रू फिजिकल प्रेजेंस, या तो फिजिकल प्रेजेंस क्या क्या अलाउ करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप खुद आके प्रेजेंट होने चाहते हो मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको समोसे खाने, तो आप आ जाना, डन। सेकंड पॉइंट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो। थ्रू अदर प्रिस्क्राइब ऑडियो विजुअल मीन्स, जो अगर हमारे रूल्स के अंदर कुछ और मीन्स को अलाउ कर दिया गया तो आप उसको मान लो, ठीक है। दस द डायरेक्टर प्रिस्क्राइब मीटिंग, द डायरेक्टर्स डिसाइड मीटिंग इन पर्सन, इन पर्सन मतलब खुद आने के साइड में, आर ऑल्सो परमिटेड टू मीट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर प्रिस्क्राइब ऑडियो विजुअल मीन। वही बात को वहाँ पे रिपीट कर दिया हमने, क्यों पढ़ी लाएंगे, छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इन बात को छोड़ो, अभी आप ये वाली बात करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। अभी हमने कहा था कि फर्स्ट मीटिंग हमने इनकॉर्पोरेट हुई, फर्स्ट मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। सबसे क्विंट जनरल मीटिंग,
सब्सिक्वेंट के लिए उन्होंने बोला कि कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर कैसे बोलो, जनरल क्लॉजेज एक्ट, आपने कैलेंडर ईयर के अंदर चार मीटिंग्स होनी चाहिए, चार मीटिंग्स होनी चाहिए और दो मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 120 डेज का गैप होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना नहीं चाहिए मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके अलावा ओपीसी विद टू डायरेक्टर्स, स्मॉल कंपनी, डोमिनेंट कंपनी है, तो इनको कैलेंडर ईयर के अंदर हाफ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर के दो पार्ट कर दो, उसके अंदर एक एक मीटिंग करनी है और उन दो मीटिंग्स का जो टाइम डिफरेंस है उसके अंदर 90 डेज का टाइम होना ही चाहिए, 90 डेज से ज़्यादा मतलब उनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर पार्टिसिपेट कैसे कर सकता, हमने पढ़ लिया वापस पढ़ रहे। अब कुछ कुछ मैटर जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू आ रहे हो, बट इन मैटर्स के लिए आप मत आना, आप इन पर्सन ही चाहिए हमें, आपको फ्लाइट का खर्चा करना पड़ेगा और आपको समोसे मिलेगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई मैटर्स विच शैल नॉट बी डील्ड विद इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, नहीं होगी, या ऑडियो विजुअल मीन्स नहीं होगा। इन दिस रिस्पेक्ट रूल 4 क्या बोलता है, कौन सी बात है, द अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस मीटिंग के अंदर एनुअल फाइनेंशियल मीटिंग, एक मिनट एक मिनट, ये कुछ मैंने ऊपर नीचे होगी स्लाइड, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके ठीक है, जिस मीटिंग के अंदर अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड अप्रूव करता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, इसको आप लोगों को, जनता को दिखाओ, जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर आप लोगों को दिखाओ, ठीक है, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो हमारे क्रेडिटर्स, उनको दिखाओ। तो ये वाली बात जहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया जा रहा है, तो सारे डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है इन पर्सन, या अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो बोर्ड के कुछ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का अगर अप्रूवल दे रहे हो बोर्ड, अगर अप्रूवल दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पैसा रेस करने वाले हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं, आपको पता होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने कुछ मिस कर दिया तो कर दिया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, द ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी टू बी अप्रूव बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन इतना। अब इन्होंने क्या बोला कि ऑडिट कमेटी की अगर मीटिंग है उसके अंदर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन मतलब जो सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनी जो सर्टेन शेयर लिमिट से ज़्यादा होल्ड करते हैं उनकी कंपनीज को हम कंसोलिडेट करके एक बड़ी बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर अगर वो मीटिंग ऑडिट कमेटी वाली मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। अप्रूवल ऑफ मैटर रिलेटेड टू अमलगमेशन, आप किसी कंपनी के साथ अमलगमेट हो रहे हो, कोई मर्जर है, कोई डीमर्जर है, कोई एक्विजिशन है, कोई टेक ओवर है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपका उस मीटिंग में डायरेक्टर साहब आपका मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर हमने पढ़ लिया सेक्शन, हम वापस पढ़ लेंगे, आप आगे बताओ। अब आती है कि हमने कहा ओके ओके, ये वाली हमें बात सारी की सारी समझ में आती है। अब हम डायरेक्टर को बुलाएंगे कैसे, कि डायरेक्टर, डायरेक्टर को पता कैसे चलेगा कि इसको मीटिंग के लिए आना है, तो उन्होंने बोला नोटिस देने पे भी लॉ बनाया गया कि कोई डायरेक्टर लेफ्ट आउट फील ना करे कि हमने आज फोन किया, डायरेक्टर रहता था मुंबई या फिर कहीं पे भी, कन्याकुमारी रहता था और हमारी कंपनी है दिल्ली की, हमने फोन किया कल सुबह 6 बजे मीटिंग है आप आ जाना, हैं मेरे पास तो फ्लाइट की वही नहीं है, मैं तो आ ही नहीं सकता, इन्होंने मेरे को बेवकूफ बनाया। अब उन्होंने इस लॉ के अंदर ये बातों को लिख दिया गया, पीरियड ऑफ नोटिस क्या होगा, एटलीस्ट 7 डेज नोटिस इन राइटिंग, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड देयर एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस, जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है, सॉरी ऑफिस बोल दिया, एड्रेस मतलब घर का एड्रेस, वहां पे उनको नोटिस पहुंचाना जरूरी है, शैल बी हैंड डिलीवर्ड और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आप मेल वेल भी कर दो, 7 डेज पहले पहले करना है, ठीक है 7 डेज पहले होना जरूरी है। बट अभी लॉ को हम इतना हार्श, अभी कुछ ऐसा है, लॉ को हम इतना हार्श कर सकते हैं कि 7 डेज का टाइम देना जरूरी है ही है, उसके बिना आप मीटिंग करा ही नहीं सकते। सर अभी तो आपने बोला कि किसी डायरेक्टर के साथ गलत हो सकता है, बट किसी कंपनी के साथ भी गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है सर, अगर कोई कंपनी है जिसको दूसरी कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर कर रही है और उनको मीटिंग बुलाना जरूरी है, उनको आज के आज मीटिंग बुलानी है, मार्जिन कॉल देखे मूवी आपने, उसके अंदर उसी दिन उसी रात को मीटिंग बुलानी जरूरी है, तो क्या सबको नोटिस बैठने बैठ जाएंगे। उन्होंने बोला इसके अंदर एक एक्सेप्शन लाया गया,
शॉर्टर नोटिस लेस देन 7 डेज, टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस। एक कोई अर्जेंट नेचर का बिजनेस है तो उसको हमें शॉर्टर नोटिस भी कंपनी एक्ट ने अलाउ किया कि आपकी कंपनी ऊपर है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ऊपर है। अगर आपको लॉ कर सकते थे उस लॉ को फॉलो, आपको करना चाहिए था। ठीक है, हम पढ़ते हैं, टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस, हम शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं अगर कुछ अर्जेंट बिजनेस है। ठीक है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना उस बिजनेस, उस मीटिंग के अंदर जरूरी है। वो भी सुनेगा कि क्या चल रहा है ऐसा अर्जेंट नेचर। ठीक है, इन एब्सेंस, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, इन एब्सेंस डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर से जो आ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, उनको हम डिसीजन भेज देंगे कि ये डिसीजन हमारा। एंड सेंड फाइनली एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो हमने उसको नोटिस भेजा, हमने नोटिस भेजा कि भाई ये हमने क्या कहते हैं डिसीजन लिया मीटिंग के अंदर, उसका जो हमारी मीटिंग का डिसीजन है वो तभी फाइनल होगा जब एक ना एक इंडिपेंडेंट उसको कहेगा ओके। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहेगा ओके तो हम हमारा वो डिसीजन को हम गो अहेड नहीं कर पाएगी, कंपनी वो बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएगी। ओके, ऑप्शन टू, पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और अदर ऑडियो विजुअल रूल्स। ठीक है, नोटिस ऑफ मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स। अभी जब हम नोटिस दे रहे हैं ना, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एंड शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एनेबल द डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड एंड अदर ऑडियो विजुअल। जो भी होगा वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ आपको आना है तो हम आपकी मीटिंग का सेट टाइम सेटअप कर देंगे, आपको डेडिकेटेड बंदा दे देंगे जो आपका ध्यान रखेगा कि आप ढंग से कनेक्टेड हो कि नहीं। टैक ठीक है, ऑन रिसेप्ट ऑफ नोटिस, जैसे ही डायरेक्टर को नोटिस रिसीव हुआ, वो चाहता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस मीटिंग के अंदर है। अ डायरेक्टर इंटेंडिंग टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन शैल कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू द चेयरपर्सन और द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। वो कहेगा मैं नहीं आ सकता, मेरी टांगों में दर्द है, तो वो क्या बोलेगा कि आप मेरे को प्लीज अलाउ कर दो कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी मीटिंग को कन्वीन कर सकूँ, मैं वहाँ पे बैठा, मेरे को आप अटेंडेंस मान लो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखा, डन। ठीक है, इफ नो इंटीमेशन, अगर कुछ उसने कुछ इंटीमेशन नहीं दिया, डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला, तो हम मान लेंगे कि वो आ रहा है। इट शैल बी अज्यूम द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। ठीक है, अब पेनल्टी, पेनल्टी किस बात की, अब इसके अंदर बात सुन, जब भी आप पेनल्टी के बारे में देखोगे, पेनल्टी आपको देखना है कि कंपनी के ऊपर लगेगी या डायरेक्टर के ऊपर लगेगी। नोटिस दे के बुलाना, नोटिस दे के बुलाना कंपनी का काम है, डायरेक्टर का काम है। सुनो, इसके अंदर पेनल्टी क्या दे रखी है, सेक्शन के अंदर प्रेस्क्राइब किया है 173(4) के अंदर प्रेस्क्राइब है पेनल्टी ऑफ 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑफिसर, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस। जिस डायरेक्टर को हमने एंट्रस्ट किया है कि आप नोटिस भेज दोगे, आप नोटिस भेज दोगे, अगर उसने नोटिस नहीं भेजा तो हम उसके ऊपर 25,000 का फाइन लगा देंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही। अगर डायरेक्टली कंपनी पे लगता तो पूरी सारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए ना, इस तरह का कि कंपनी के ऊपर फाइन लगा दिया, किसी डायरेक्टर को तो फर्क पड़ा ही नहीं। बट जिस डायरेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम उसी पे फाइन लगाएंगे। ठीक है, ओके, कोरम फॉर मीटिंग। अभी ये सेक्शन आपको, अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा, पता आपको 173। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा सेक्शन 174, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। कोरम का क्या मतलब है सर, कोरम का मतलब क्या है बेटा, जब आपको मिनिमम बंदे चाहिए रम पीने के लिए, उसको कहते हैं हम कोरम। है बेटा, कोरम का मतलब है मिनिमम बंदे चाहिए मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, मीटिंग को करने के लिए। ये नहीं बेटा कि आप अकेले बैठे हो मीटिंग को मीटिंग कर लोगे आप, या फिर आप दो बंदे बैठे हो जिसमें से कोई बंदा इंटरेस्टेड है, आप कहोगे हम दोनों ऐसे कुछ मिलकर मीटिंग करवाते हैं जिसमें हमें अपने बिजनेस वालों को, अपने रिलेटिव को बिजनेस, या फिर किसी इंटरेस्टेड पार्टी को हम कुछ काम दे देंगे और हम उधर से भी कमाएंगे, हम कंपनी से भी कमाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कोरम मतलब मिनिमम बंदे एक बोर्ड मीटिंग के अंदर, कि इतने बंदे होंगे मिनिमम, तभी उस बोर्ड मीटिंग को हम वैलिड मानेंगे। चलो ठीक है, अ कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हु मस्ट अटेंड द प्रोसीडिंग इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस वैलिडिटी एट अ ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग। मिनिमम बंदे हमें चाहिए वो कितने हैं, लॉ ने कितने बोले, लॉ ने बोल दो बातें हो जाएंगी। ठीक है, दस कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग क्या है, कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3, अगर 9 डायरेक्टर हैं तो 3, अगर 10 डायरेक्टर हैं तो 4,
लॉ के अंदर ऐसा ही लिखा है, जो भी होगा क्या कहते हैं फ्रैक्शन, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे हायर मल्टीपल, ठीक है, 9 है तो 3, 10 है तो 4, और नीचे लिखा है टू डायरेक्टर्स, ये टू डायरेक्टर्स भी लिखा है। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 3 डायरेक्टर हैं तो 1/3 के हिसाब से एक ही डायरेक्टर है, तो उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए बोला कि 2 डायरेक्टर होने तो ज़रूरी है मीटिंग के लिए। अगर आपके पास टोटल 3 स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ है 3 डायरेक्टर की, तो इसके हिसाब से 1/3 का से 1 होगा, बट हम 1 में मीटिंग नहीं कर सकते, मीटिंग के लिए तो एक बंदा और चाहिए, तो हम उन्होंने कहा कि और 2, ठीक है। हम पढ़ते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कोरम 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 एनी फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1, कोई भी फ्रैक्शन हम उसको 1 पे राउंड ऑफ कर देंगे। द टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड दोज डायरेक्टर हुज प्लेसेस आर वेकेंट, ठीक, लॉजिकल चीज है, जो वेकेंट है उसके हम थोड़ा ना काउंट कर लेंगे, डन। द कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ये नहीं बेटे जैसे समोसा खत्म हुआ डायरेक्टर चला जाएगा, उसको पूरी मीटिंग में बैठना जरूरी है, हर एक ट्रांजेक्ट जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होने वाली है जिसको वो डिस्कस करने वाला है उस पर उसकी सहमति या फिर असहमति, उसका कॉन्फिडेंस या फिर उसका कि भाई मैं अलाउ नहीं करता ये वाला जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो करना जरूरी है, ठीक। एक बात आएगी सेक्शन 8 कंपनीज, आपको पता है जो इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें बोलते थे सेक्शन 25 कंपनीज, ये होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर बेटा टैक्स वैक्स नहीं लगता, काफ़ी सारी क्या कहते हैं एनजीओस को एनपीओस को जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उन्होंने बोला कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये चैरिटी करने के लिए कंपनियां बनी, इसके अंदर से पैसा आसानी से निकलने नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने इसकी जो कोरम के रिलेटेड बोला, इसके अंदर कोरम आपके हिसाब से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज 174(1) स्टैंड मॉडिफाइड टू स्टेट दैट कोरम शैल आइदर बी 8 मेंबर्स, इन्होंने 8 मेंबर्स से बात ला के रख दी कि उसके अंदर जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनमें से 8 मेंबर होना जरूरी है, और 25% 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/4 ऑफ द 25% पूरे स्ट्रेंथ का, 100 बंदे हैं तो 25 बंदे होने जरूरी हैं, विच एवर इज लेस 8 मेंबर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इन्होंने ऐसे बोल दिया 8 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, और या 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास क्या कहते हैं 8 है तो 2, 8 अगर टोटल 8 मेंबर है तो 2, अभी आप उसका 4 का मल्टीपल कर लिया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर, 8 बंदों से मतलब 2 बंदे तो होने जरूरी हैं, 2 बंदे तो सर हमारे केस के अंदर पूरे ट्रस्ट के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके पास 5 ही बंदे, हाँ तो 2 मेंबर्स होने जरूरी है, 2 मेंबर्स होने जरूरी है, 2 मेंबर्स होने जरूरी है, ठीक है। बात सर सर अब ये वाली बात भी हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी पूरी आनी चाहिए, सुनो। इन केस वेयर देर इज वैकेंसी इन बोर्ड, अब बोर्ड के अंदर वैकेंसी है, ठीक है, बंदा डायरेक्टर जा सकता है, ठीक है, चला गया छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को और कई मतलब दूसरी कंपनी स्टार्टअप के अंदर ज़्यादा पे मिल रही है, हमने कहा ठीक है आप जाइए, जाने वाले को कौन रख सकता है। इन केस देर इज एनी वैकेंसी इन द बोर्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन दैट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट को हार्ड बना सकता है, उसको लीनियंट नहीं कर सकता। सर इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट ने बोला कि 2 डायरेक्टर होने जरूरी है मिनिमम, ऊपर के केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आर्टिकल ने बोल दिया, और आपका आर्टिकल बोल सकता है कि मेरे को मेरी कोरम में 100% डायरेक्टर चाहिए, आपका आर्टिकल बोल सकता है, प्राइवेट कंपनी आपका आर्टिकल बोल सकता है, आपके पास पूरा राइट है कि हम अगर सारे डायरेक्टर आएंगे हम तभी मीटिंग कराएंगे, बट आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डायरेक्टर को नहीं बोल सकता कि एक डायरेक्टर होगी तो हम उसको मीटिंग मान लेंगे, आप लॉ के अगेंस्ट जा सकते हो, उसको हार्ड बना सकते हो, बात समझ में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लॉ समझना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझो। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इन केस वेयर देयर इज एनी वैकेंसी इन बोर्ड, इन केस देयर इज एनी वैकेंसी इन बोर्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन द मेंशन्ड इन आर्टिकल द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मे एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सच वैकेंसी, अगर आर्टिकल के हिसाब से अगर हमारा कुछ ऊपर नीचे वैकेंसी हो गई है तो आप कॉन्टिन्यू उस वैकेंसी को भूल जाओ और इस सेक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। बट हाउएवर जो नीचे बात है वो इम्पोर्टेंट है, द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन ड्यू टू सच वैकेंसी, अब वैकेंसी इतनी हो गई है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द कंपनी एक्ट,
एक्ट ने जो कोरम बोला है उससे कम डायरेक्टर हो गया, बोले तो दो डायरेक्टर से भी एक डायरेक्टर रह गया। ठीक है, इफ दिस इज द सिचुएशन द कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर और डायरेक्टर मे एक्ट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस ओनली एंड नथिंग एल्स। अब जो ऊपर के डायरेक्टर जो बचा है इकलौता डायरेक्टर या फिर जो कोरम से कम वाला डायरेक्टर बचा है, अब वो क्या एक्ट करेगा? उसको हमने बोला आप कोई मीटिंग मीटिंग ना करें, आप नीचे वाली बात को माने, पहले आप नीचे वाली बात करें फिर आप मीटिंग की तरफ बढ़े। क्या बात है कि आप इंक्रीज करें नंबर ऑफ डायरेक्टर टू दैट फिक्स्ड ऑफ द कोरम, आप डायरेक्टर को अपॉइंट करें। हैं, कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? वो तो मेंबर्स अपॉइंट कर, बेटा भूल गए ना, एक केस एडिशनल डायरेक्टर के केस अंदर बोर्ड के पास पावर थी अपॉइंट करने की, या तो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करके उसको आप कोरम बना ले एडिशनल डायरेक्टर के केस के अंदर, अगली मीटिंग जब होती है ना बोर्ड जनरल मीटिंग जो मेंबर आते हैं उसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट को वो मान लेते हैं या तो वो नहीं मानते। ठीक है, वो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होता है एडिशनल डायरेक्टर का। ठीक है, और एक केस तो ये आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो और कोरम पूरी कर दो, और टू समन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब जो डायरेक्टर है वो जनरल मीटिंग वालों को, जो बचा डायरेक्टर है वो कहेगा जनरल मीटिंग आ जाओ, मेंबर सारे आ जाओ, हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना ताकि हमारी कोरम पूरी हो सके। ठीक है, कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है कि कोई कोई हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एट अ टाइम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। आप समझ रहे हो बात, इधर 1/3 होना जरूरी था कोरम, अब उन्होंने क्या बोला कि 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तो कोरम तो वैसे भी नहीं मानी गई ना, इसके साथ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इन्होंने इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए क्या बोला, सुनो, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर द कोरम शैल बी द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग। उन्होंने बोला जितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं आप उनसे ही मीटिंग करवा लो। समझ रहे हो बात, इधर 1/3 वाली बात को उन्होंने थोड़ा सा कहा कि छोड़ दो वाली बात को, छोड़ दो, आप छोड़ दो वाली बात को, जितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं आप उनसे मीटिंग करा लो, बट देयर नंबर मस्ट नॉट बी लेस देन 2। 2 से नीचे तो होने चाहिए, तो लॉजिक बनता नहीं, 2 से नीचे तो होनी चाहिए। वाइल कैलकुलेटिंग द कोरम एनी फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एस 1। ये फिर से बात रिपीट होगी। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग को एडजर्न कर दिया, ठीक है, विच कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वॉन्ट ऑफ कोरम। अच्छा, मेरे को एडजर्नमेंट से ना एक बहुत बात दिल पे चुपटे मैं आपसे शेयर करूँ। मैं ना अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे इनकम टैक्स के ऑफिस गया, IT8 अपीलेट ट्रिब्यूनल था, पता नहीं जहाँ पे भी गया मैं, तो वहाँ पर मैं ऐसे, मैं सी ए का इंटर्न हूँ, मैंने ज्वाइन किया था, मैं सी ए का इंटर्न हूँ, मेरे को एडजर्नमेंट चाहिए। तो जो जो कमिश्नर था उसने मेरे को कहा आप प्लीज़ बाहर वेट करें, अब तो उन्होंने थोड़ा सा गंदे तरीके से बोला प्लीज़ आप बाहर जाइए, तो अभी तक मेरे दिल में बात है। ठीक है, कोई नहीं, चलो ये बात हमने कर दी, फालतू की बात खत्म। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग विच कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम। अभी क्या हुआ, मीटिंग नहीं हुई, कोरम नहीं थी, उसके चक्कर में मीटिंग नहीं कर पाए, जो स्ट्रेंथ थी वो आई नहीं, दो डायरेक्टर थी नहीं, तो हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। फिर क्या बात होगी, 1/3 डायरेक्टर नहीं आ पाए। एज वी हैव नोटिस दैट द बोर्ड मीटिंग कैनॉट बी वैलिडेटेड हेल्ड इफ देर इज नो कोरम। कोरम है ही नहीं, वैलिडिटी मतलब है ही नहीं, वैलिडिटी हेल्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई कोरम है ही नहीं। दस वेयर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, देन अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। उसी दिन उसी टाइम उसी प्लेस पे जो नेक्स्ट वीक होगा उस दिन होगी। अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे हो जाएगी। ठीक है, ओके, हमें समझ में आती है। इसके अंदर आप हमें बात बताओ कि अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, इसका क्या मतलब है? अगर आर्टिकल ने बोल दिया कि किसी दिन हमारी वांट ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग नहीं हुई तो वो अगले दिन होगी, हम ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि आर्टिकल ने बोला, आर्टिकल ने बोल दिया, वो इस एक्ट को हार्श कर रहा है, वो कर सकता है। बात समझ में आती है? अगर आर्टिकल अदरवाइज प्रिस्क्राइब कर देता कुछ डेट तो हम उसकी बात को मानेंगे। ठीक है, exemptions to OPC, OPC 1% company, according to provision of section 173, the provision of section 174 relating to quorum are not applicable to 1% company which has only one director on its board। क्या बात कर दी इसने, हमें इतनी बात तो पता थी, जब उसको मीटिंग ही नहीं करनी तो क्या quorum quorum। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की बात, मैंने बोला था हम वापस थोड़ी सी
डिटेल में बात करेंगे, वो मैं सेक्शन आपके पास लेके आ गया, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर सेक्शन नंबर 184। हम कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्लोज आपको कब करना है, क्या करना है डायरेक्टर को, ठीक है। अब उन्होंने बोला किस चीज को हम उसका मतलब एक किसी पार्टी में वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो कब है वो ये बताएगा, ठीक है। एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन द कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म्स एंड अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल व्हिच शैल इंक्लूड द शेयर होल्डिंग इन द मैनर प्रिस्क्राइब। उन्होंने बोला शेयर होल्डिंग के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, किस मैनर में प्रिस्क्राइब किया, रूल 9 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, जो कंपनी के रूल्स आगे उस रूल 9 में इसके बारे में बोला गया। द इंटेंशन ऑफ लॉ बिहाइंड सच डिस्क्लोजर इज टू मेक नोन द अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न डायरेक्टर इन अदर कंपनी। इस सेक्शन के मतलब इस सेक्शन का इंटेंशन क्या है कि बाकी डायरेक्टर्स को समझ में आ जाए कि ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड है इस पार्टी के अंदर, इस ट्रांजेक्शन के अंदर ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो हम इसकी बात को किनारा कर देंगे, ठीक है। वेन टू मेक जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, अब बात आई बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपका बन सकता है क्या कहते हैं एमसीक्यू। अब कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है डायरेक्टर साहब, आप इंटरेस्टेड पार्टी हो, तो आपको कब डिस्क्लोज करना है, जब क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स हो जाएंगे आप तब डिस्क्लोज करोगे या उससे पहले डिस्क्लोज करोगे। उसके लिए लॉ ने क्या बोला, एवरी एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर। फर्स्ट मीटिंग के अंदर जैसे ही वो डायरेक्टर बना उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर वो सारी कंपनीज के नाम लेके पहुंच जाएगा कि इन इन कंपनी इन इन पार्टनरशिप इन इन बॉडी कॉर्पोरेट्स के अंदर इन इन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ इन, अब अगर आप इनसे आप बिजनेस करोगे तो आप मेरे को मत काउंट करना, जो भी होगा मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दे आर आफ्टर एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गया, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया, तो हर फाइनेंशियल ईयर की जो पहली मीटिंग होगी, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर वो पहुंच जाएगा कि मैं भाई इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी कंपनी के अंदर, ये देखो हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के अंदर पहली मीटिंग के अंदर जितने इंटरेस्ट आ रहे हैं हमने दरवाजे पे उनको रोक लिया, उनसे कहा भी अपना दिखाओ हर एक डायरेक्टर की एंट्री, हम उसके इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज इंटरेस्टेड कंपनीज इंटरेस्टेड कॉर्पोरेट्स उसके बारे में हम लिस्ट ले जा रहे हैं फिर उनको बिठा रहे हैं, ठीक है। और बीच में भी तो हो सकता है किसी ने किसी डायरेक्टर ने किसी और कंपनी में एक ईयर के बीच में इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है ठीक है। वेयर देर इज मतलब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी बीच के अंदर, वेयर देर इज एनी चेंज इन द डिस्क्लोजर ऑलरेडी मेड, उसने जो डिस्क्लोजर कर रखे हैं कंपनी को उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है, देन एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज, जैसे ही वो चेंज हुआ उसकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पे वो लेकर चला जाएगा कि साफ साफ बोर्ड बोर्ड मेरे में ये चेंजेस आ गए हैं, आप प्लीज मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ या मैं इस कंपनी के इंटरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वेन एवर ही इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू। इन्होंने बोला कि कुछ आप कैसे किसी भी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी इंटरेस्टेड हो आप बता दो, आप बता दो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप खुद बेटा पुलिस वाले बुलाता ना आप खुद बता दो क्या गलती करी, ठीक है। अब सुनो विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर होल्ड मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप होल्ड करते हो सर इनडायरेक्टली क्या है, अगर आप उसकी होल्डिंग कंपनी को होल्ड करते हो उसके वे आपकी कुछ होल्डिंग है आपको वो भी बताना है, अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2% और मोर शेयर होल्डिंग है आपकी आपकी और आपके एसोसिएशन में डायरेक्टर है उसकी तो आप बता दो। विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर इज अ प्रमोटर, अगर जो डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर है उसका मैनेजर है मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व है या CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो आप बता दो आप इंटरेस्टेड हो। और अ फर्म और अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और ओनर या मेंबर है, अगर आप किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई मेंबर हो या फिर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के ओनर हो या किसी आप HUF के किसी ओनर हो या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो कुछ भी है तो आप पहले ही बता दो, ठीक है। हाँ सर हमें समझ में आती है। अब
उसने नहीं बताया, उसने कहा मैं इंटरेस्टेड था बट उसने बताया नहीं, वो थोड़ा सा गेम खेल गया। ठीक है, अब कंपनी ने बोला अगर आपने नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने उस पार्टी के साथ किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इफ देर इज नो डिस्क्लोजर। अगर उसने डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया तो वो वॉइडेबल है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक सकती है क्योंकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप जहां मर्जी जाओ। ये लॉ के अंदर उसको प्रोविजन दिए गए हैं, तो अगर वो कभी केस कोर्ट में लेके जाएगा तो कंपनी ये वाले सेक्शन को लेकर आ जाएगी, देखो आप ही ने हमें पावर दी है कि हम कभी भी वॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एम्फोसिस इज वॉइडेबल, नॉट वॉइड, हमेशा वॉइड नहीं होगा, अगर कंपनी चाहती है कि हमें वॉइड करना तभी वो वॉइड होगा। ठीक है, इसके अंदर हम बात को और थोड़ा सा इसके अंदर जो एक्सेप्शन है हम उसको पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ऊपर तो हमने सब जनरल बात कर दी, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, 137 सेक्शन के अंदर उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और एनुअल रिटर्न भी रजिस्ट्रार के पास जाती है, वो रजिस्ट्रार का खुद, देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, और जो कैश फ्लो वैश फ्लो जब होता है, जो एनुअल रिटर्न होती है वो आरओसी का खुद का फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आपको फिगर्स डालनी होती है। ठीक है, हाँ हमें फिगर्स डालने होते हैं, वो हम बाद में आके सीख लेंगे, आपको सिखा देंगे कभी हुआ तो। द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 184 शैल अप्लाई विद द एक्सेप्शन दैट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर उन्होंने बोला कि इसके अंदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर। यहाँ पे तो हमने बोला कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं कर, इसके अंदर बोला कि अगर वो इंटरेस्टेड है वो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने डिस्क्लोज करने के बाद। ठीक है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट अफेयर, उनको खुद का पैसा लगा हुआ, एक एक ही फैमिली का पैसा लगा हुआ, तो उन्होंने कहा पार्टिसिपेट कर लो। सेकंड पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग। सर ये हमें 137-92 अब दिखाओ कि बेटा 137 देखो, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल विद रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 92 है एनुअल रिटर्न्स के बारे में, आप एमसीए की साइट खोलोगे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ इतना सेक्शन 184-2 क्या बोलता है कि ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट अप्लाई ओनली इफ द ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ये हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एक्सीड 1 लाख रुपीज, इस बात को हम सेक्शन 188 में थोड़ा डीप पढ़ेंगे, तो अभी इस बात को हम छोड़ दें, ये वाली बात को छोड़ दें, प्राइवेट कंपनी वाली बात को आपको ध्यान रखना है। डन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इसमें कौन कॉन्ट्रावीन कर सकता है, इस सेक्शन को डायरेक्टर कर सकता है। इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184(1) जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कि आप बता दो कि कौन कौन सी कंपनी है इस मीटिंग के अंदर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक अगर आपका इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि 2% से ऊपर आप होल्डिंग करते हो, या तो आप मैनेजर हो, प्रमोटर हो, सीईओ अलग कंपनी के, या तो आप फर्म के और एंटिटी के पार्टनर हो, मेंबर हो, ओनर हो, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर और जनरल डिस्क्लोजर दोनों में अगर वो कुछ ना कुछ हमें घपला करता है, बताता नहीं है, डज नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट और फर्निश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पेक्ट ही शैल बी पनिशेबल अंडर इम्प्रिजनमेंट 1 साल की, 1 साल के लिए आपको जेल में डाल सकते हैं अगर आपने नहीं बताया, और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ, और बोथ। ठीक है बेटा, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते, आज के लिए हम रोके, मैंने बड़ी सारी स्लाइड्स बना रखी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पक्का पढ़ाऊंगा, अभी हम आज की क्लास को यही रोकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कल सुबह एक लेक्चर और डालते हैं आपको। ठीक है, अभी आपने जितना पढ़ा है प्लीज आप उसको रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज करो, सर हमें आपकी बात एक भी समझ भी नहीं, हमें एक भी बात आपके समझ नहीं, आप क्या पढ़ाते हो, सॉरी बेटा, आप मेरे को टेलीग्राम पे डालो, मैं इसको बेटर करूंगा। ओके, बाय बाय।